मम्मी के भैया अभी तक नहीं आए। वो तुम्हारे मामा हैं। कान्हा को भी मामा से मिलना है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि उन्हें एक साल कैसे लग गया मुझे ये बताने के लिए कि उनकी शादी हो चुकी है। मेरी दीदी जिस देश में रहती है मैं उस देश से हर खतरा मिटा दूंगा चाहे वो उनका पति ही क्यों ना हो। ये कोई शक नहीं, चेक नहीं, जट दिया चले सरदारी। उम्मीद है तुम्हें ज्यादा भूख नहीं लगी होगी, खाना बस तैयार ही हो गया। तुम्हारा बना हुआ खाना कैसे खाना है? मुझे यूरी के सामने एक अच्छी बीवी बनकर रहना है। मैं उसे नहीं बता सकती कि मैंने ये शादी लोगों का कत्ल करने और अपने कामों को बचाने के लिए की है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन तुम अपने भाई को जो भी बात है वो सच सच क्यों नहीं बता देती? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई भी परेशानी हो। मैंने एक बहुत ही बढ़िया तरकीब सोची है। यूरी को कैसे क्या समझाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। अच्छा बोलिए दीदी, जवाब दीजिए, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो क्योंकि मैं बताना भूल गई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अगर आप ऐसा कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ दीदी, मुझे माफ करिए। वो मान गया? खाना तैयार है। लॉयड साहब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। रहने भी दो, तुम अच्छा खाना खिलाकर मुझे अपने तरफ नहीं कर सकते। गधे कहीं के। ये मुझसे नहीं होगा। दुनिया खत्म हो गई। अफसोस, कल रात तुम यूरी से नहीं मिल पाई। हाँ, वो कौन है? हाँ? सभी शक के दायरे में है ट्वाइलाइट। पापा, मम्मी तो मम्मी तो क्या? मम्मी तो गंदा खाना बनाती है। मुझे कोई शक नहीं, गरी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदार।